हेलो दोस्तों, प्रभाज किचन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं गाजर से बनी हुई खीर। तो चलिए आज एंजॉय करते हैं इस खीर के साथ। गाजर की खीर बनाने के लिए देखिए हमको क्या क्या चाहिए। ये हमने आधा किलो गाजर ले लिया है। इसको अच्छे से धुल करके साफ करके हमने ऊपर से हल्का सा इसका छिलका निकाल लिया था और कद्दूकस कर लिया है। जिस तरह से हम गाजर का हलवा बनाते हैं और कद्दूकस करते हैं, उसी तरीके से ही हमको इसे कद्दूकस करना है। और 1 लीटर हमने फुल क्रीम वाला दूध ले लिया है। 1 चम्मच इलायची पाउडर है और ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स है। इसमें काजू और बादाम हमने लिया है। आप इसमें नारियल भी डाल सकते हैं और किशमिश भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और 1 चम्मच हमने देसी घी लिया है। तो चलिए आज हम बनाते हैं गाजर की खीर। ये हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब इसमें ये जो हमने घी लिया था इसको डाल देंगे। इसमें ये घी हमारा गरम हो गया है। अब ये जो हमने कद्दूकस किया हुआ गाजर रखा है इसमें डाल देंगे। और गैस को हम मीडियम पे रख देंगे। और इसको 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट तक हमने इसे पकाया है। अच्छे से गाजर हमारी पक गई है। अगर इसको हम दूध के साथ ही डाल देंगे तो गाजर हमारी अच्छे से पकेगी नहीं। कि आप गाजर का हलवा बनाती हैं तो उसमें भी पहले आप गाजर को पकाती हैं, उसके बाद ही उसमें दूध डालती हैं। तो ये देखिए ये अच्छे से हमारे सब गाजर बढ़िया से पक गए हैं। ये देखिए हम आपको हाथ से दिखा देते हैं। ये देखिए एकदम बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब हम ये जो दूध रखे हैं इसमें डाल देंगे। ये हमने दूध डाल दिया। अब गैस को हम इस समय तेज कर देंगे और तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि ये दूध हमारा उबल नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें फटने का भी डर होता है। कोई कोई गाजर जो है मीठी नहीं होती, बहुत खट्टापन लिए होती हल्का सा, इसलिए हमें इसे बराबर ही तेज आंच पर चलाना है जब तक ये उबल नहीं जाएगा। ये दूध हमारा अच्छे से उबलने लगा है। अब हम गैस को एकदम धीमी कर देंगे और इसको 5 मिनट तक ऐसे ही खुला पकने के लिए छोड़ देंगे। हो गया है। अब गैस को हम थोड़ा सा तेज कर लेंगे और इसमें ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखा हुआ है डाल देंगे। वैसे तो हम शक्कर इसमें नहीं डालते हैं, लेकिन अगर आप लोग शक्कर खाते हो तो जरूर डाल दीजिएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा 4 से 5 चम्मच शक्कर डाल दे रहे हैं, ज्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि शक्कर हम लोग बहुत कम खाते हैं, इसलिए हम इसमें शक्कर नहीं डालते। क्योंकि गाजर तो ऐसे ही मीठी होती है और दूध भी पक के हल्का मीठा हो जाता है। आप इसमें शक्कर डाल सकते हैं। अब इसको हम 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। खीर हमारी एकदम तैयार है। अब हम इसी में ये इलायची पाउडर भी डाल देंगे 1 चम्मच। आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा स्वाद आता है, लेकिन केसर हमेशा सबके पास नहीं रहता है, इसलिए हम केसर डालना नहीं इसमें बता रहे हैं। अगर आपको जल्दी बनाना हो तो आप थोड़ा सा दूध डालिएगा और थोड़ा सा मिल्क मेड डाल दीजिएगा, इससे बहुत जल्दी ये खीर बनके तैयार हो जाएगी। अब हम इस मीडियम पे छोड़ देंगे इसको 2 मिनट के लिए। गैस को हमने मीडियम कर दिया है और 2 मिनट के लिए और इसे हम पकाएंगे। ये लीजिए पकते हुए 2 मिनट हो गया है। खीर हमारी एकदम तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी बढ़िया खीर बनी है। और आजकल तो ठंडक का महीना है, गाजर बहुत आ रही है। आप किसी भी रूप में गाजर का ही खीर बना लीजिए, हलवा बना लीजिए, लेकिन मीठा खाना लोग कम पसंद करते हैं, तो इसलिए आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें इससे आप बना सकते हैं और बहुत ही सेहत के लिए अच्छा है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको
ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको फ्रिज में डाल देंगे, तो ठंडी ठंडी खीर खाने की तो मजा ही अलग होती है। तो चलिए आप लोग जरूर बनाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये किस तरह से बनी। तो चलिए आप लोग इंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट लाइक जरूर करें। थैंक यू, गुड डे।